हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर लक्ष्मी किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोहा यानी कि चिड़वा नमकीन। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, झटपट से बनाना शुरू करते हैं आज की नमकीन की रेसिपी। पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल भरकर यहाँ पर पोहा लिया है, मूँगफली ली है, करी लीव्स लिए, मखाना लिया है और कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या अपनी पसंद से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नमकीन को हम बनाएंगे स्ट्रेनर में, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के स्ट्रेनर हैं, एक डीप वाला और एक ये मेरे पास एक फ्लैट है जिसको हम छलनी बोलते हैं। मैं इस फ्लैट वाले स्ट्रेनर को यूज़ करूँगी, इससे क्या है इसमें ऑयल कम लगेगा। फ्लैट होने के कारण ये सारी चीज़ें अच्छे से डीप फ्राई हो पाएंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंगफली को डीप फ्राई किया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाते डुलाते अच्छी तरीके से इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये चारों तरफ से मूंगफली अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। देखिए कितनी आसानी से डीप फ्राई हो गई हैं। अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। ये पोहा नमकीन 5 से 6 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको रोस्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब वापस से मैंने स्ट्रेनर रखा है। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लेक्स डाल के अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी। कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई होने में लगभग 1 मिनट ही लगता है, तो इसको 1 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको चम्मच से चला लेंगे जिससे कि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं। कॉर्नफ्लेक्स का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम उनको निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने वापस से स्ट्रेनर को रखा है। अब इसमें मखाने हम डीप फ्राई कर लेंगे, तो चम्मच से हमें चलाते रहना है जिससे कि मखाने अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरीके से हमें बारी बारी से सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर लेनी है। आप इसमें मखाने के साथ साथ इसमें काजू, बादाम और कोकोनट भी इसमें फ्राई कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मखाना फ्राई करने के बाद इसमें हम करी लीव्स फ्राई कर लेंगे। करी लीव्स को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ये भी फ्राई हो जाता है। फ्राई करने से ये एकदम क्रिस्पी हो जाती हैं और नमकीन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप करी लीव्स ज़रूर ऐड करें। अब हम पोहा यानी कि चिड़वा को हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपका पोहा मोटा है तो आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए, अगर आपका पोहा पतला है तो आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से हम पोहा का सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, अब इनको एक साथ हम इकट्ठा कर लेंगे। तो जो प्लेट में मैंने पोहा रखा है उसी प्लेट में हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये नमकीन चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे हो या बड़े हो सभी को ये पसंद आती है, तो आप एक बार घर पर इसको ट्राई करें। अब इसमें हम मसाला तैयार करेंगे नमकीन में मिक्स करने के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ले रही हूँ। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पिंच हींग ऐड की है, 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड किया है और 4 से 5 मैंने कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाला रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और बाद में इसको हम अपनी जो नमकीन है उसमें ऐड करेंगे। अगर आपको नमकीन ऑयली सी लग रही है तो आप जब भी डीप फ्राई करें तो नैपकिन पे ही ये सारी नमकीन फ्राई करने के बाद निकालें। उससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसमें थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमकीन का कलर एकदम येलो है, लेकिन मैं सनलाइट में बैठी हुई हूँ तो इसका कलर लाइट येलो दिख रहा है। तो देखिए हमारी नमकीन बिल्कुल तैयार है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो अब आपको इसका कलर दिख रहा होगा, तो देखिए नमकीन बिल्कुल बन के तैयार है। अब नमकीन की हम फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। तो इसको हम एक सर्विंग बाउल या सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसको चाय, कॉफ़ी, जिससे आपका खाने का मन हो आप उससे इंजॉय करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक के साथ साथ आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।